क्लास मॉनिटर। गट्टू और चिंकी के यूनिट टेस्ट ओवर हो गए थे और अब नया सेमेस्टर शुरू हो रहा था। सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। चिंकी, फाइनली एग्जाम्स ओवर हो गए, अब कुछ दिन तक रिलैक्स करेंगे। कहाँ रिलैक्स करेंगे गट्टू, अब नए सेमेस्टर की नई पढ़ाई भी तो स्टार्ट होगी ना। हाँ चिंकी, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वैसे मुझे तो हर दिन बस आर्ट क्लास का इंतजार रहता है। तभी क्लास में गट्टू चिंकी की क्लास टीचर आ जाती है। सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। बच्चों, तो कैसे गए आपके एग्जाम्स? बहुत अच्छे टीचर। गुड, वेरी गुड। तो बच्चों, इसी के साथ आपका नया सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है और मैं आपके क्लास का नया मॉनिटर चूज करूंगी और आपके नए मॉनिटर का नाम मैं आपको लास्ट पीरियड में बताऊंगी, ओके? सब बच्चे आपस में नया मॉनिटर कौन बनेगा इस बारे में बात करने लगते हैं। तभी टीचर सबको शांत होने को कहती है और अटेंडेंस लगा कर चली जाती है। अरे चिंकी, मैं तो लास्ट पीरियड के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, पता नहीं कौन हमारे क्लास का नया मॉनिटर बनेगा, है ना? हाँ गट्टू, कहीं हम में से ही कोई एक ना बन जाए नया मॉनिटर। हाँ हाँ, पर अब ये सब छोड़ो, चलो तुम लोग अपना सोशल साइंस का होमवर्क निकालो, नेक्स्ट पीरियड सोशल साइंस का है। तभी वहाँ पर सोशल साइंस की टीचर आ जाती है और क्लास शुरू हो जाती है। तभी क्लास हो जाने के बाद आखिरी क्लास में टीचर नए मॉनिटर का नाम अनाउंस करने आती है। बच्चों, आप सबके नए मॉनिटर का नाम है गट्टू। सभी बच्चे क्लैपिंग करने लगते हैं। गट्टू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अरे वाह गट्टू, नए मॉनिटर तुम हो। कांग्रेचुलेशंस गट्टू। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। गट्टू, अब क्लास मॉनिटर की सब ड्यूटीज तुम्हें निभानी होंगी और जब कोई टीचर क्लास में नहीं होगा तब तुम्हें क्लास भी शांत करानी होगी। पर गट्टू खुश होने के चक्कर में मैम की इन बातों पर ध्यान नहीं देता। घर जाकर डिनर करने के टाइम गट्टू मम्मी पापा को ये खुशखबरी सुनाता है। अरे वाह गट्टू, कांग्रेचुलेशंस, मैं भी अपने स्कूल टाइम में अक्सर मॉनिटर बनता था। थैंक यू पापा, अब तो कल से स्कूल में बहुत मजा आएगा। गट्टू अपना डिनर करके जल्दी से सोने चला जाता है। अगले दिन स्कूल में, बच्चों आज आपकी मैथ्स टीचर एब्सेंट है, इसीलिए आपका थर्ड पीरियड फ्री रहेगा। उस टाइम में क्लास मॉनिटर क्लास को शांत कराने का काम करेंगे, ओके गट्टू? ओके मैम। जैसे ही थर्ड पीरियड होता है गट्टू क्लास के सामने एक चौक लेकर खड़ा हो जाता है। अब कोई भी शोर नहीं मचाएगा, जिसने बातें की मैं उसका नाम बोर्ड पर लिख दूंगा। थोड़ी देर में गट्टू अपने बेस्ट फ्रेंड बंटी को गुड्डी से बात करते हुए देखता है। अरे बंटी, तुम बात क्यों कर रहे हो, मैं अभी तुम्हारा नाम बोर्ड पे लिखता हूँ। गट्टू, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखोगे? अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। गट्टू सोच में पड़ जाता है। थोड़ा सोचने के बाद वो बंटी का नाम तो नहीं लिखता पर गुड्डी का नाम लिख देता है। ये देखकर गुड्डी को गुस्सा आ जाता है। यही नहीं, गट्टू खुद भी अपने फ्रेंड से बात करने लगता है। शोर सुनकर उनकी क्लास टीचर क्लास में आ जाती है। अरे भला क्लास में ये शोर कैसा, और गट्टू तुमने क्लास को शांत नहीं कराया? मैम, मैंने तो सबके नाम भी लिखे थे पर वो। इससे पहले गट्टू कुछ कहता तभी गुड्डी खड़ी होकर मैम से कहती है, मैम गट्टू ने अपने बेस्ट फ्रेंड बंटी का नाम नहीं लिखा पर बाकी सबका लिख दिया और वो खुद भी क्लास में सबसे बातें कर रहा था। सभी बच्चे गुड्डी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये सुनकर मैम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गट्टू को डांटने लगती है। गट्टू, मैंने तुम्हें मॉनिटर इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे हो, पर तुमने इस तरह की शरारत करके मुझे गलत साबित किया। अब तुम क्लास मॉनिटर नहीं हो और कल मैं नया मॉनिटर सिलेक्ट करूंगी। इस बात से गट्टू को बहुत बुरा लगता है। वो पूरा दिन किसी से कुछ नहीं कहता और छुट्टी में भी गट्टू घर पहुंचकर बिना किसी से कुछ कहे सीधे अपने रूम में चला जाता है। ये देखकर मम्मी को हैरानी होती है। भला ये गट्टू को क्या हुआ है? चिंकी मम्मी को सब बताती है। मम्मी पूरी बात सुनकर गट्टू के रूम में उसके लिए खाना लेकर जाती है। गट्टू बेटा, तुम जब से स्कूल से आए हो अपने रूम में ही बंद हो, लो कुछ खा लो। गट्टू चुपचाप बैठा था तभी वो मम्मी के गले लग जाता है और उसे रोना आ जाता है। मम्मी, मैम ने मुझे सबके सामने डांटा इसीलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे गट्टू बेटा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मम्मी गट्टू को समझाने लगती है।
गट्टू बेटा, मैम ने तुम्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए दी क्योंकि उन्हें लगा कि तुम बाकी बच्चों में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। पर फिर जब तुमने शरारत की और अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बोर्ड पे नहीं लिखा तो तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई ना, और मैम का ट्रस्ट भी तोड़ा। इसके लिए तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट करके मैम से सॉरी बोलना चाहिए और उनसे एक दूसरा चांस मांगना चाहिए। इसी के साथ साथ तुम मैम को प्रॉमिस करना कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। गट्टू मम्मी की बात ध्यान से सुनता है और उसे अपनी गलती रियलाइज होती है। मम्मी मैं समझ गया, मैं कल ही सुबह जाकर सबसे पहले मैम से सॉरी बोलूंगा और उनसे एक दूसरा चांस भी मांगूंगा। वेरी गुड, चलो अब अपना खाना खाओ। अगले दिन सुबह गट्टू मैम के पास जाता है। मैम मैं कल के लिए आपसे सॉरी बोलता हूँ, मैम प्लीज मुझे एक सेकंड चांस दीजिए ना, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। गट्टू को सॉरी बोलते देखकर मैम को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे माफ कर देती हैं। इट्स ओके गट्टू, ठीक है मैं तुम्हें सेकंड चांस देती हूँ, तुम ही क्लास के मॉनिटर हो पर तुम्हें अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभानी होंगी। ओके ओके मैम। इस बार गट्टू अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाता है और सब क्लास के नए मॉनिटर से बहुत खुश हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।